ಜೆ ಹಾಕನ್ ಛಡಿ ಲೇಲಲ್ಲ. ಇದು ಬಿಲ್ಕುಲ್ ವೈಸೀ ಛಡಿ ಹೈ ಬಾಬಾ ಜೈಸಾ ಆಪ್ನೆ ದಾವೋ ಕೋ ದಿ ಥೀ. ಜೆ ಹಾಕನ್ ಕೇವಲ ಛಡಿ ನಾ ಹೈ ಕಾನ, ಜೆ ಏಕ್ ಸಚ್ಚೆ ಗೋಪಾಲಕ್ ಕಿ ಪಹಚಾನ್ ಹೋತಿ ಹೈ. ಇಸೆ ಸದೈವ ಅಪ್ನೆ ಸಾಥ್ ರಖಿಯೋ, ಯೇ ಪಶುವೋ ಕೋ ಪಂಕ್ತಿ ಮೇ ರಖೇಗಿ ಔರ್ ಸಂಕಟ್ ಸೆ ರಖೇಗಿ ತುಝೆ ದೂರ್, ಬಹುತ್ ದೂರ್. ಕಿಸಿ ಭಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೇ, ಕಿಸಿ ಭಿ ರೂಪ ಮೇ, ಕಿಸಿ ಭಿ ಮೂಲ್ಯ ಪರ್ ಉಸ್ಕೆ ಶವ ಪರ್ ನೃತ್ಯ ಕರ್ನಾ ಹೈ. ಮೇರಿ ಸ್ಮೃತಿ ಅಬ್ ಆಯಿ ಹೈ ಆಪ್ಕೋ, ಅಪ್ನೆ ಬಡೆ ಬಡೆ ಯೋದ್ಧಾಓ ಕೆ ಧಾರಾಶಾಹಿ ಹೋನೆ ಕೆ ಬಾದ್ ಕ್ಯಾ ಲಗಾ ಥಾ ಕೆ ವೋ ವತ್ಸಾಸುರ್ ಸೆ ಅಧಿಕ್ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಹೈ? ನಹೀ ವತ್ಸಾಸುರ್, ನಹೀ. मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम्हारे सामर्थ्य के सामने उस नन्हे से विष्णु अवतार की शक्ति ही क्या है. बस इसी कारण मैंने तुम्हें आमंत्रित नहीं किया, परंतु अब तुम्हारे सामर्थ्य का सामना करने का उसका समय आ गया है. मैं चाहता हूं कि वो तुम्हारा सामना करे और मृत्यु के पास में बंद कर वापस विष्णु लोक चला जाए, लौट जाए विष्णु लोक, क्योंकि यहां कंस उसको जीवित नहीं रहने देगा. आज वो अपने प्रथम गौचारण के लिए जा रहा है और तुम वत्स बछड़े के रूप में उसके समीप जाओ. वत्सासुर वत्स के रूप में भ्रमित करूंगा और इससे पहले कि उसे संभलने का अवसर भी मिले, उसके प्रथम गोचारण के अशुभ अवसर पर महाबली सांड के रूप में मरण का उपहार दूंगा मैं उसे. ये सब भी जा रहे? सारे बालक हाथ पकड़ के बैठे हैं नंदराज, काना जाएगो तो ये सारे जाएंगे. हाँ, बहुत समझायो और मना भी कियो, फिर भी सुनने के लिए तैयार ही ना थे. तो अच्छा ही है ना काकी, एक से भले हम सारे के सारे, है ना बाबा? तू सही कह रहे हो काना, सब साथ जाएंगे तो अच्छा रहेगा, किसी को किसी की चिंता भी ना रहेगी, यशोदा का चित्त भी शांत रहेगा, है ना? अरे कहाँ गई? लल्ला ले जो छतरी रख. छतरी किसके लिए मैया? प्रहर समाप्त होते ही सूर्य देवता आकाश पर चढ़ जाएंगे, देख आजकल कितनी धूप हो रही है, जो छतरी उससे बचाएगी ना. तो और लेनी पड़ेगी मैया, हम सब के लिए एक है और गैयाओं के लिए भी, उन्हें भी तो धूप लगेगी. मैं तेरी चिंता कर रही हूँ और तू मेरा उपहास उड़ा रहा है. ना भैया, मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि रहेगा तो सबके पास, ना तो कोई के पास नहीं. कान्हा तू समझ ना रहे है. आप ना समझ रही मैया, यदि मैं अकेले या छतरी लेकर जाऊंगा तो मेरे सखा और गैयाओं को क्या लगेगा कि मैं इनसे अलग हूँ, राजकुमार हूँ? ये तो मेरे और इन्हें संबंध में दूरी आ जाएगी ना भैया. और यदि हमारा संबंध ही अच्छा ना हुआ तो ना मैं पशुओं को संभाल पाऊंगा और ना ही अपनी सखाओं को साथ जोड़ के रख पाऊंगा. मेरी बात का विश्वास करो मैया, ये गौपालक सबकी सब प्रकार के संकट में रक्षा करेगा. आप सही कह रहे थे जी, जो तो पूरी तरह से तैयार हो गए अपना दायित्व निभाने के लिए. चल काना. रुक जा लल्ला, मैं अभी आती हूँ.
आशीर्वाद तेरे साथ है नन्ना, अब जा अच्छे से गौचारण कर। मेरा बाल गोपाल, मेरा बाल गोपाल। यशोमती मैया करे प्रार्थना, रहे सुरक्षित लाल। प्रथम बार दैत्व उठा कर चले बाल गोपाल। प्रभु के वचनों को सत्य होते हुए देख रही हूँ मैं। वृंदावन में उनकी लीलाओं के आरंभ होने का समय हो गया है। अब ये वन उनका है। वत्सासुर तो क्या, कोई भी असुर इस वन को तनिक भी हानि नहीं पहुंचा सकता। निर्दोषों पर ऐसा अत्याचार, इस असुर को इसके पाप का दंड अवश्य मिलेगा। अब होगा विध्वंस का नाथ, कोई नहीं बच पाएगा मुझसे, कोई नहीं। मन में सुरक्षित तो होगो ना मेरा लन्ना? देखना, कोई गैया झुंड से बांधना जानी चाहिए। मधुमंगल तुम पीछे की ओर जाना, कंस काका के साथ, और हाकन तनिक कस के पकड़ो। कोई वन्ना हसुन आ जाए हमारी गैयाओं के पीछे। जैसे बाबा वैसे लल्ला। ये तो बहुत अच्छे से सबका नेतृत्व कर रहा है। मेरा छोटा सा लल्ला कब समझदार युवराज बन गया पता ही ना चलो। कान्हा, कि तू हम सब की सब प्रकार के संकट से रक्षा करेगो? हाँ तो कोई सर पा गया तो क्या करेगा तू? इस आकर में लपटूंगा और दूर फेंक दूंगा। और कोई भयानक वन्य पशु आगो तू? तो ये हाकन है ना मेरे पास, ऐसा हाकूंगा कि वो भयानक पशु हाथ जाएगा और उल्टे पाँव भाग जाएगा। और यदि कोई भयानक राक्षस आ गया? राक्षस तो आ ही गया सखा,
औषधि यही है वसंता। हाकन उसकी अस्थियां तोड़ के ऐसे चूर चूर कर दूंगा कि वो क्षण भर में चित पड़ जाएगा। तो क्या इस हाकन में इतनी शक्ति है? शक्ति हाकन में ना, मेरे मैया बाबा के आशीर्वाद में है, इसीलिए सब अपने मैया बाबा का स्मरण करो, उन पे विश्वास करो और फिर देखो कैसे बड़े से बड़े असुर को भटक नहीं दे सकते हम। बहुत बढ़िया कान्हा। आप यहाँ? आपको तो लेखा जोखा देखना था ना। हाँ तो तुम्हें भी तो भोजन बनाना था। हाँ जे तो है, मैं तो देखने आई थी मेरा लल्ला सुरक्षित है कि ना। हाँ तो मैं भी देखने आया हूँ कि लल्ला अपना दायित्व तो अच्छे से निभा पा रहे है कि ना। तो निभा रहे है? हाँ हाँ बहुत अच्छे से। अब मुझे पता चल गो कि वो सबको संभाल ले, तो मैं चलता हूँ उपनंद भैया से मिलने जानू। हाँ तो मैंने भी देख लिया है जो सुरक्षित है, मैं भी जाती हूँ रसोई का कार्य पड़ो ना। सब कुछ कितना सुंदर है ना यहाँ, देख कोमल कोमल घास, हरे रंग से रंगी भूमि। इन वृक्षों की छाव में बैठ के भोजन करने में कितना आनंद आएगा, है ना कान्हा? और खेलने में भी, है ना कान्हा? तो चलो खेले ना, हम यहाँ दायित्व निभाने आए हैं, गौचारण कराना है हमें, पहले वही कराएंगे हम और फिर खेलेंगे। घास हरी भी और कोमल भी, फिर तो मीठी भी होगी। समाती दे रही हो? ठीक है फिर, उचित स्थान मिल को सकाओ। चलो अब गैया चराए, सब जन गैया के निकट ही रहना गोला बना के, ऐसा ना हो कि कोई गैया इधर उधर निकल के खो जाए, और दृष्टि सतर्क रखना, कोई संकट भी निकट ना आना चाहिए। कितना समझदार होगा है मेरा लल्ला, कैसे सारे कार्य कर रहा, मानो इतने लंबे समय से इसको गैया चराने का अनुभव। तो ना गई? हाँ तो मैं तो आपको देख रही थी, आप जाते तो मैं भी चली जाती। अरे मैं भी तुम्हें देख रहा था कि तुम जाती तो मैं, पता चल जाएगा। ये तो मैया बाबा का स्वर था, ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? एक और मैया बाबा है और दूसरी ओर से आ रहा है वत्सासुर, और बीच में है मेरे सब सखा, इनके होते हुए वत्सासुर का सामना कैसे करूंगा मैं?
इससे पहले कि और विलंब हो जाए इसे रोकना होगा मुझे। आपके नाम का जाप करता हूं और आप मेरे नाम का। कैसे ना करूं सखा, आपके नाम में शक्ति इतनी है और अब इस शक्ति का अनुभव होगा बच्चा सर को। आपकी लीला में भी कौतुक है सखा, धन्य है आप। हाँ जी, अभी तो चाहिए था। सुना 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 गोपालक मंडी सुना। अब क्या करने लगो जी? मैं वापस घर जा रही हूँ। क्या हुआ काना, छोटी माँ की स्मृति आ रही है? वो और से देंगी तभी तो आएगी ना। ले जाओ, संभालो इसे। काना क्या हुआ, अच्छे से तो संभाल रहे हो, तुम भी संभालो ये सब। अच्छे से संभाल लो होता दाऊ तो मेरी मैया बाबा मुझ पे दृष्टि रखने यहाँ ना आते। जब
इन दोनों को मुझ पे विश्वास ना है तो किसी और को कैसे होगा? मुझे तो लगता आप दोनों चाहते ही ना हो तो अपने आप में गजू कर पाऊं, गजू बन पाऊं। अब जितना बड़ा भी हो जाऊंगा मैं तो मैया का लाडला भैया का लाडला कह के चढ़ाएंगे मुझे। मेरी कोई पहचान ही ना बन पाएगी, केवल यशोमती मैया का नंदाला बन के ला जाऊंगा मैं। उसके प्रथम गौचारण के अशुभ अवसर पर गौवंश के हाथ मरण का उपहार दूंगा मैं उसे। जो पुत्र नहीं कर पाई, तृणा व्रत नहीं कर पाया, वो मैं करूंगा। अपनी प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगने दूंगा मैं। काना ठीक कह रहे हो यशोदा, हमसे भूल हो गई कि हम इसे अपने कार्य अपने आप से ना करने दे रहे, अपने दायित्व का भार ना उठाने दे रहे इसे। तो सब कुछ अपने आप संभालने दो बाबा, करके देखूंगा तभी तो सीखूंगा। भूल करूंगा, त्रुटियां भी होंगी, पर तभी तो जैसा आज हूं उससे उत्तम बन पाऊंगा। हम घर लौट जाएंगे, पर तू अपना ध्यान रखियो, हाँ भोजन समय पे कर लियो, और तू जानतो है ना, तू ना खाएगो तो मैं भी ना खा पाऊंगी। और अब हम तुझे तंग ना करेंगे काना, तुझ पर विश्वास करेंगे। इन्हें भी साथ ले जाओ आप। ना, बंसी कहीं ना जा रहे है, कोई तो बताने के लिए होना चाहिए ना कि तू भोजन समय से कर रहे है कि ना, अपना दायित्व सही से निभा रहे है कि ना। ठीक है, ऐसे दुखी होके आधे अधूरे मन से मत जाओ मैया, अपने लल्ला को आशीर्वाद देके जाओ ना। मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है लल्ला। क्षमा करना मैया बाबा, आप प्यार रहते तो बहुत अच्छा लगता मुझे, पर ये संभव नहीं है कि उस दुष्ट असुर का सामना करना है मुझे।
अभी तो किसी व्यक्ति को देखा था मैंने, तो फिर जे सांड। क्या हुआ, रुक क्यों गई? वहां वहां क्या, कछु भी तो ना है ये सुधा। चलो तक और प्रतीक्षा करनी होगी वर्षा सोल। सुनी आपने? क्या? विचित्र सी दहाड़। यशोदा वन है, यहाँ विचित्र दुनिया सुनाई देंगी ना, और मैंने जो सुनी वो खूब विचित्र दहाड़ ना थी, वो तो किसी गाय या बछड़े के रंभाने की पुकार थी। आपको क्या लगता है मैं गाय के रंभाने में और दहाड़ में अंतर ना समझती? बहुत विचित्र सी ध्वनि थी जी, कछु असामान्य था, बहुत भयानक था। भयानक? ऐसा क्या देख लियो यशोदा तुमने? कोई विचित्र सा मानव था। हाँ, और उसका मुख भी बहुत भयानक, एकदम राक्षस के जैसा। आपने मुख देखो क्या? ना, बातें बना रहा हूँ उज्जवल की तरह, तुम्हारी तरह। मैं बातें ना बना रही, सच्ची कह रही हूँ जी। तब तो हमें शीघ्र ही काना के पास लौट चलना चाहिए। हाँ जी। ना, लल्ला तो स्वांग कर तो ही है, लल्ला की मैया भी कम ना है। उसने कैसे बड़ी बड़ी बातें करके, भावुक होने का नाटक करके हमें वापस भेज दी, और अब तुम ये नाटक करके उसके पास वापस लौटना चाहती हो। तुम्हें जाना है तो जाओ यशोदा, और जय सिद्ध कर दो कि तुम उस पर विश्वास ना करती। पर मैं ना चाह, मैं उस पर विश्वास करूंगा क्योंकि मैंने वचन दिया। मैं घर जा रहा हूं। रुको, तो मैं सच्ची कह रही हूं, सुनो। बस गोपालक मंडली, बहुत श्रम कर लियो तुम सबने, चलो भोजन करें। आपने मेरी बात ना मानने की सौगंध खाई है क्या? मैं सच्ची बोल रही हूँ जी। इनके साथ माथा फोड़ के ना कछु लाभ ही ना है। एक मैया की चिंता अन्य मैयाएं ही समझ सकती हैं। कान्हा, मैं जाकर नहीं मिल सकता हूँ। देखने वाला मेरे हाथ से भी खा ले खाना। छोटा खाने में भी अलग ही आनंद है। ये कृष्ण कन्हैया यशोदा नंदन अद्भुत खेल रचाते हैं, बड़े चाव से जूठन खाते, अपने सखाओं को रिझाते हैं।
मेरे सखा सच में अद्भुत है। किसी सामान्य बालक की तरह अपने प्रियजनों का झूठा खा रहे हैं, और ये ग्वाल बाल भी कितने सौभाग्यशाली हैं जिन्हें अपने प्रभु का झूठा खाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। लगता है उस विष्णु अवतार को मेरे आने की सूचना मिल गई और वो मुझ पर दृष्टि रख रहा है। बार बार मेरे मार्ग में व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा है, पर मैं भी अच्छी तरह जानता हूं कि उसकी दृष्टि से बचकर उस तक कैसे पहुंचना है। बंसी काका, लियो काका मैया के पास ले जाओ इसे। ले जाओ, पर क्यों काना? इतनी शीघ्र भूल गए? मैया ने क्या कही थी भोजन के बारे में? भोजन समय पे कर लियो, और तू जानता है ना, तू ना खाएगो तो मैं भी ना खा पाऊंगी। समझ गए हो काना? पर मेरे खाने की सूचना पाए बिना मैया भोजन ना करेंगी और जल भी ना पिएंगी, और आप यहाँ बच्चों के पंख गिर रहे हो। उन्होंने भी तो कही थी ना, आप उनको मेरी भोजन करने की सूचना दो। जी भर के भोजन करो है, मुझे तो तीव्र नींद आ रही है, मैं तो सोने जा रहा हूँ। सो जाओ विष्णु अवतार, शीघ्र ही तुम्हें ऐसी नींद में सुला दूंगा मैं कि फिर कभी उठ नहीं पाओगे। पर उससे पहले इस बालक को अपने मार्ग से हटाना होगा मुझे। भी सो गया, बड़ा दाव होने की यही हानि है, मैं नहीं सो सकता, मुझे तो रखवाली करनी ही पड़ेगी। दाऊ तो पैरे पर है, यदि ये नहीं सोए तो पच्चासू का वध कैसे करूंगा मैं? दाऊ, अब पैरा देने की मेरी बारी है, आप जाओ और विश्राम करो। कोई बात नहीं काना, तुम छोटे हो मुझसे अधिक, तुम्हें विश्राम की आवश्यकता है। वही तो, मैं छोटा हूँ, अपने होते हुए आपको श्रम थोड़ी ना करने दूंगा। मेरी हद समझ के मान लो, जाओ विश्राम कर लो। अब आओ बच्चा सुर, तुम मुझसे युद्ध के लिए आतुर हो ना, तो मैं भी तत्पर हूँ। चाहे जितनी दृष्टि रख लो विष्णु अवतार,
मैंने कहा था ना, इस रूप में तुम मुझे पहचान नहीं पाओगे। आओ बस थोड़े और निकट आ जाओ, फिर एक ही प्रहार से तुम्हारे प्राण ले लूंगा मैं। ये क्या बुरी, तुम तो कछु खा रही ना रही, अच्छे से खाओ। अरे घुमक्कड़, बस घूम मती, कछु खा भी ले, नहीं तो कल से लाऊंगी ना चराने के लिए। नटखड़ा मुंह क्यों छुपा रहा है? कछु अनुचित करो है या करने वालों है? तो बता दे, क्षमा कर दूंगा, बहुत दयालु हूँ मैं, बहुत क्षमा कर दूंगा, क्षमा कर दूंगा, क्षमा कर दूंगा। तुम तो बहुत सुंदर हो, क्या होगा इतने विचलित क्यों? शांत हो जाओ, तुम्हारा मुख बता रहा है कि तुमने भोर से कुछ भी नहीं खाया है, आश्रम बात किया है, इतनी दूर मथुरा से यहाँ तक आया, बेलताओं से सेम को बुक कराया है, खड्डे से अपने आप को बाहर निकाला है, श्रम तो किया है तुमने, है ना बच्चा सुर, है ना बच्चा सुर। इसने पहचान लिया मुझे। अब जब आई गए हो तो वृंदावन की घास चर रहो, ऐसी मीठी घास तुम्हें मथुरा में भी ना मिली होगी, मामा कंस का राज्य है। महाराज कंस सही थे, केवल मैं ही हूँ जो इसके इतना निकट आ पाया हूँ, अब मुझे इस अवसर का लाभ उठाना होगा। इतने भी क्या शीघ्रता है वत्सासुर? ये जाल है इसका, छल है, पर मैं इसके बहकावे में नहीं आऊंगा। ये पोटली और मटकी देके भेजो है, ताकि आपको पता चल जाए कि उन लोगों ने भोजन कर लिया है और वो सब सुरक्षित भी है। तू उन्हें अकेला छोड़ के यहाँ आ गया है और जे भी कह रहे हो कि वो सुरक्षित है? इतने भी क्या शीघ्रता है वत्सासुर? ये जाल है इसका, छल है, पर मैं इसके बहकावे में नहीं आऊंगा। बच पाएगा तू, और स्वयं बच भी गया तो इन बालकों के प्राणों की रक्षा कैसे करेगा? यदि तू अपनी हार स्वीकार नहीं करेगा तो इन सबको अपने पांव के नीचे कुचल दूंगा मैं। रामीला, रामीला,
पर मैं तो वत्सासुर हूँ। अब हो, पर वत्स पहले तो परिमीला थे, माँ भली असुर। तो फिर मैं वत्सासुर कैसे बना प्रभु? एक बार तुम माँ ऋषि वशिष्ठ के आश्रम गए थे। यक्षो, गंधर्वो और देवताओं तक को पराजित करके जिसने अपने अधीन कर लिया वो मुरुपुत्र प्रमिला असुर आपके द्वार पर खड़ा है। महर्षि वशिष्ठ स्वागत नहीं करेंगे। द्वार पर खड़ा व्यक्ति देवता या असुर नहीं होता है प्रमिला, वो तो बस एक अतिथि होता है, और अतिथियों का स्वागत करना हमारी परंपरा है। आओ। पर वो नहीं जानते थे, अभी मान तुम्हारे विवेक को निकल चुका था। आपने हमारा स्वागत तो कर लिया महर्षि, परंतु यहाँ तो हमारे बैठने के लिए उचित स्थान तक नहीं है। हे माता नंदनी, असुर राज के लिए आसन की व्यवस्था कीजिए। विराजी असुर राज। अब जब आपने मुझे बैठने के लिए कहा ही है तो भोजन की व्यवस्था तो होनी ही चाहिए। अतिथि तो ईश्वर स्वरूप होते हैं प्रमिला, और उनकी इच्छा पूरी करना हमारा कर्तव्य है। हे माता नंदिनी, मेरी विनती स्वीकार करें। आरंभ करो प्रमिला। ये तो बहुत ही चमत्कारी गाय है, किसी भी मूल्य पर इसे प्राप्त करना ही होगा मुझे। फिर तुमने ऋषि वशिष्ठ से नंदिनी को पाने की योजना बनाई, और कुछ ही दिन के बाद ब्राह्मण का रूप लेकर उनके आश्रम पहुंच गए। कहिए ब्राह्मण देव, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? महर्षि वशिष्ठ के आश्रम आया हूँ, रिक्त हाथ वापस लौटना तो संभव ही नहीं है। ईश्वर की कृपा से आपके मन में जो है वो सब मिलेगा, अपनी इच्छा प्रकट कीजिए ब्राह्मण देव। तो महर्षि, ये गाय मुझे दान में दे दीजिए। गाय मुझे दान में दे दीजिए। किस सोच विचार में पड़ गए महर्षि? क्या आप ब्राह्मण की इच्छा पूरी किए बिना ही उसे आश्रम से लौटा देंगे? किंतु इस ढोंगी के कुचक्र में मत फंसिए महर्षि, ये ब्राह्मण नहीं असुर प्रमिला है, जो छल में मुझे आपसे छीनने आया है। छल? मेरे साथ छल करता है दोस्त, तुझे इस कपट का दंड अवश्य मिलेगा। माता नंदिनी, इसके कुकर्म का फल दीजिए। तूने एक दिव्य गाय को पाने के लोभ में अपना वेश बदला था, अब मैं तुझे श्राप देती हूँ, तेरा वेश सदा सदा के लिए बदल जाएगा। इसी क्षण से गाय का बछड़ा अर्थात वत्स बन जाएगा तू वत्सासुर, बन जाएगा तू वत्सासुर। ये क्या हो रहा है मुझे? मेरा स्वरूप? मुझे क्षमा करें माँ नंदिनी, अपना श्राप वापस ले लीजिए। महर्षि, मेरी रक्षा करें। माँ नंदिनी, मुझे क्षमा कर दीजिए। भूल हो जाने के बाद उसे सुधारने का एक अवसर तो सभी को मिलना चाहिए माँ, इसे क्षमा कर दीजिए माँ, इसे अपनी भूल का पश्चाताप है। आपसे अधिक और कौन जानता है महर्षि, दिया हुआ श्राप वापस नहीं लिया जा सकता। पर मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, तुम्हें वत्सासुर के रूप में केवल द्वापर युग तक रहना होगा, उसके बाद स्वयं प्रभु श्री विष्णु के अवतार तुम्हें मुक्ति प्रदान करेंगे। मुझ जैसे मूर्ख अभिमानी दुष्ट को भी आपने मुक्ति प्रदान की प्रभु,
जब भी किसी को अपनी भूल का आभास होता है वो उसी क्षण क्षमा पाने की योग्य बन जाता है। और जिसने वर्षों तक पश्चाताप भी किया हो उसके लिए तो मुक्ति का मार्ग भी सहज खुल जाता है। यशोदा, यशोदा, कुम्हार के यहां से दीपक ले आए हूं। हर बार की भांति इस बार भी पूरा गांव दीपों से जगमगा उठे हो। वृंदावन में जे हमारी पहली दीपावली है और जे हम बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। रानी भाभी, तोरण के रूप में जे टांग दू द्वार पे? हाँ टांग दे। अरे ठहरो बंसी, जे तोरण थोड़ी ना है, तोरण तो आम के पत्तों और गेंदे के फूल का बनता है। जे किसने कही तुझे ऐसे टांगने के लिए? हम तोरण क्यों टांगते हैं पता है? हे नारायण, तोरण इसलिए टांगते हैं ताकि बुराई और नकारात्मकता को हम द्वार के बाहर ही रोक दें और भीतर उन शक्तियों को आमंत्रित करें जो ऊर्जा, उत्साह और दिव्यता से भरी हो, जैसे मैया लक्ष्मी। रानी भाभी, ये बात समझ में ना आई कि तोरण में केवल आम के पत्तों और गेंदे के फूलों को ही क्यों लगाया जाता है? वो इसलिए बंसी क्योंकि आम के पत्ते घर के भीतर की दूषित वायु को खींचकर बाहर निकाल देते हैं और किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को उसका हरा रंग घर के भीतर प्रवेश ना करने देते और आंखों को शांति और सुखद अनुभव कराते हैं, वो बात अलग। इसी प्रकार से गेंदे के फूल भी किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को घर के भीतर प्रवेश ना करने देते और उनकी गंध से कीड़े मकोड़े भी घर से दूर ही रहते। समझ में आई बात? जी समझ गए। हाँ तो समझ गए है तो जा ना, शीघ्र आम के पत्ते लेके आ जा। जी। यशोदा, अपने कान्हा के गौचारण से लौटने की प्रतीक्षा में तुम जितनी व्याकुल हो ना, उतना व्याकुल तो अयोध्यावासी भी ना थे भगवान श्री राम के वनवास से लौटने पर। हर मैया के लिए उसका लल्ला श्री राम ही होता है। अच्छा एक बात बताओ, तुम अपने श्री राम, मेरा अर्थ है कि तुम्हारे लल्ला की प्रतीक्षा ऐसे ही भूखे प्यासे खड़े रहकर इस द्वार पर करने वाली हो क्या? भोजन की स्मृति सता रही है आपको? अपने लल्ला की कोई चिंता ना है? सारे बालक वन में अकेले हैं, अब तो बंसी भी यहाँ आ गए। नारायण ही रक्षा करे उन सबकी, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। इतने घने वन में कहीं कोई पशु या कोई राक्षस आ गो तो? अभी तो कह रही थी कि तुम्हारा लल्ला श्री राम है। अरे श्री राम तो 14 बरस का वनवास काट कर सुरक्षित अपने घर लौट आए थे, तुम्हारा लल्ला तो सवेरे गया है गौचरण को, गौधुली के पहले वापस आ जाए। चिंता मत करो यशोदा, अकेले रहकर सब संभाले गो तभी तो हर परिस्थिति का सामना अच्छे से कर पाएगो। काना, अब ये बार तो पूरा फंस गया, अब इस स्थिति को कैसे संभालूं? चेक कैसे हो? ये वज तो हमारो ना है। जी वच तो है ही ना, जी तो एक बहुत भयानक राक्षस लग रहा है। राक्षस? सच्ची बता काना, जे तूने तो ना कियो। है जा काना, हम घर लौट जाएंगे। अब पहरा देने की मेरी बारी है, आप जाओ विश्राम करो। वन में आने से लेकर अब तक जो भी हुआ है
सब तुम्हारी योजना का ही भाग है और अब ये भी तुमने ही किया है ना काना? मुझे आप नहीं पहचानोगे तो और कौन पहचानेगा दाऊ? पर अब समझ ही गए हो तो बस देखते ही मत रहो, साइठा भी करो, स्मरण करो क्या है मेरा सत्य। स्मरण करो मैं कौन? बोल काना, सत्य बता, तू नहीं करो अजय इतना बड़ा वत्स, बल्कि वत्स भी नहीं, इतना बड़ा राक्षस और इतना छोटा सा काना। उज्जवल अपने बड़बोलेपन में कुछ भी बोलने लगते हो तुम, भला काना में इतनी शक्ति कहाँ जो इतने बड़े राक्षस की ये दशा कर पाए। तो फिर ये किसने कर उजे? ये कार्य तो बस श्री नारायण ही कर सकते हैं, है ना काना? इतनी क्षमता तो उन्हीं में हो सकती है, पर सखाओ इसके बारे में गांव में किसी को पता ना चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि हमारे माँ को पता चल गया कि यहाँ कुछ ऐसा हुआ है तो फिर कल से हम में से कोई भी यहाँ ना आ पाएगा, तो फिर गांव में ही खेलना छुपन छुपाई। उन सब का तो केवल वन आना बंद होगा, पर मेरी मैया तो मुझे घर से बाहर निकलने ही ना देगी। नाना हम किसी को कछु ना बोलेंगे, है ना सखाओ? हाँ। क्या होगा सत्ता, तो हाँ क्यों ना कह रहा है? क्योंकि हम यदि वन में आते ही रहे और ऐसे भयानक राक्षस या पशु ने हम पर फिर से आक्रमण कर दिया तो काना, है ना? मेरे कहने का अर्थ है कि श्री नारायण, है ना, जैसे उन्होंने आज हमारे प्राणों की रक्षा की, भविष्य में भी वही करेंगे। तो चलो और सारे के सारे खाद होली का समय हो गया है, वापस चलना चाहिए। मना तो कर दिया है पर ये सब मानेंगे? यदि इनमें से किसी ने भी भैया के सामने मेरा भेद खोल दिया तो? यशोदा आओ कछु खा ले। मैं अब और प्रतीक्षा ना कर सकती, मैं जा रही हूँ। भूखी जाओगी? हाँ। और जब कान्हा पूछेगो कि मैया आपने भोजन कियो कि ना, तो क्या कहोगी? जब उसे पता चलेगो कि उसकी प्यारी मैया उसके बिना भोजन ही ना करती, तो वो स्वयं भी भोजन ना करेगो, पूरे दिन भूखा रहेगो। यही चाहती हो तुम? कान्हा के लिए भोजन कर लो, फिर मैं स्वयं लेकर चलूंगा तुम्हें कान्हा के पास। आपने कान्हा का नाम लियो है इसीलिए खा रही हूं। तुझे कृष्ण के नाम को और जे वाला यशोदा नीलमणि के नाम का, अरे नीलमणि के नाम का मान ना रखोगी तो उसे लगेगा कि ये कृष्ण कान्हा जैसे नए नाम आ जाने से उसका पुराना नाम फीका पड़गो। स्मरण है ना तुम्हें कि कान्हा के नामकरण से पहले नीलमणि नाम ने हमारा कितना साथ दियो? तो जे तो खाना पड़ेगा। बस। और जे अपने नटखट मुरलीधर कान्हा के लिए। लल्ला का नाम ले लेके आपने पूरा भोजन करा दियो, अब चलो ले चलो मुझे उसके पास, आपने कही थी ना। हाँ यशोदा ये लो। चुप
चलो। हमने तो वापस ना लौटने का वचन दिया था अपने लल्ला को। मैं तो मैया हूँ, ममता में आके अपना वचन भूल जाती हूँ, पर कोपराज तो अपने वचन के पक्के हैं। जे इतनी शीघ्र कैसे तैयार हो गए? मरण है ना, आज जो हुआ है उसके बारे में कोई एक शब्द भी ना बोलेगा, समझ गए? हम तो समझ गए काना, और हम बताएंगे भी ना। पर इसकी मृत्यु देखकर क्या करें? यदि किसी गांव वाले ने देख लिया तो हमें तो बताने की आवश्यकता ही ना पड़ेगो। चिंता मत करो, श्री नारायण सब संभाल लेंगे। ये जहाँ से आया है वही पहुँचा देंगे इसे। वाह दाऊ, क्या सुझाव दिया है आपने। देखना तुम दोनों, जो कोई नहीं कर पाया वो वत्सासुर करके दिखाएगा, बद्ध कर देगा मेरे उस शत्रु का, विष्णु अवतार। वत्सासुर, वत्सासुर! कैसे मारा उस विष्णु अवतार ने एक गौवंश को? तुमने वत्स का अर्थात गौवंश के जीव का वध किया है काना? नहीं दाऊ, मैंने तो राक्षस वत्सासुर को मोक्ष किया है। अपने कर्मों को घुमा फिरा के सही सिद्ध मत करो काना। मेरी बात सुनो, मैं दाऊ हूँ तुम्हारा। वो जो भी था पन था तो गौवंश से ही ना। तुमसे उसकी हत्या हुई है और तुम्हें इसका प्रायश्चित करना ही चाहिए। ऐसे करूं?